414 दसवां सर्ग। पास खड़े हनुमान देखे वानर राज ने, बोले हे बलखान सैनिक सज्जित हो सभी, यद्यपि तुमने दूत पहले भेजे हैं सही, अहो पवन के पूत और अधिक अब भेजिए, दीर्घ सूत्री लोग होते हैं बहुकर्मरत, बने ना यह संयोग नहीं समय पर आ सके, बुलवाओ जनवीर वानर नर निर्भय निरे, जिनके सबल शरीर युद्ध कुशल जो शूर हैं, 10 दिन के ही बीच सब आ जामे जन यहाँ, पावेंगे दुख नीच आवेंगे जो तो नहीं, पाकर यह आदेश शस्त्रों जन तब दौड़ कर, योद्धा वीर गणेश मिले भेंट ले भूप को, शिव का हुए तैयार उस पर लक्ष्मण सहित, तब भूपति हुए सवार चले संग सेना लिए, वानर पति का यान बाजे गाजे से सजा, उमड़ी सरित समान राघव सागर को चला, रामचंद्र समीप उतर पालकी से तुरत, वानर कुल का दीप हाथ जोड़ उनको मिला, हर्षित श्री रघुराज गले लगा उसको मिले, देखा सेना साज महामोद से देव ने, कुशल प्रश्न पश्चात बैठे वानर राज जी, लगे चलाने बात रामचंद्र जी स्वयं, सके सबल गुणवान समझो सारे सार को, समय पर कार्य विधान करे भूप सो हो सुखी, करके समय विभाग कार्य करते जो प्रभु, वे बनते बड़ भाग धर्मार्थ और काम में, हर दल दलन में जो क्षत्रिय उद्यत हो सदा, मित्र संग्रही हो वे सुख पाते हैं विजय, दस्यु तपन है भूप है ये समय उद्योग का, देश काल अनुरूप करो काम मिल सचिव से, बोले वानर पाल यश सुख जो मुझको मिला, राघव दीन दयाल तेरा सब प्रसाद है, लखन आपसे आज मैं इस पद पर रूढ़ हूँ, सत समझो रघुराज मैं आभारी हूँ बड़ा, शस्त्रो वानर वीर विधिवत वेद विशेष बहु, दंडनायक अति धीर ये है सेनापति कुशल, इंद्र सदृश शूर सैनिक सज्जित है बड़े, असुर गर्व कर चूर ले आएंगे ये सिया, सुग्रीव के सुवचन सुंदर सुने राघव ने, जभी प्रेम से वो बहुत गदगद उठ मिले उसको, तभी बोले स्नेह सुहित से कर्म संभव है सभी, आपसे शुभ सखा पाकर कार्य रुकते ना कभी, मानिए आश्चर्य नहीं भानु यदि तुमको हरे, कौन
कष्ट आते हैं भले, कष्ट घोर कठोर में अब है भरोसा आपका, सुखद सज्जन कुशल को मिल भय गया अरिताप का, मुझको चिंतन रहा ना कुछ असुर वैर मिलाप का, निश्चय है समीप आया समय सिया मिलाप का, करते थे जब वे बातें गिर गया नब धूल से, बड़े आंधी वेग से जो तरु गिराती मूल से, आया भारी हो भूचल चलता चल झूल से, आ रहे थे मिले वानर भरे मन अनुकूल से, देखे रघुपति ने लाखों वीर सम्मुख मन चले, बल पराक्रम मूर्ति ते तेज जिन पर जल मले, युद्ध जीते थे जिन्होंने शत्रु दल से बहुदले, ज्वलित दीपक नयन लिए शोभते वे नभ तले, सुग्रीव बोला अब जो राजन आपका आदेश हो, कार्य किया जाए वे तो देर कुछ न विशेष हो, बोले राघव इसमें हमसे तुम्हें चतुर नरेश हो, दशा दिशा सब देश वेश समझते भी शेष हो, एक हो तुम मित्र मेरे पराक्रमी वीर हो, तीसरे हो चतुर पंडित विचारवान सुधीर हो, हित में तत्पर हो पंचम बड़े विज्ञ गंभीर हो, अर्थ पर हो साथ में तुम मुझे प्रिय शरीर हो, करण कारण कुशल हो तुम करो जो भावे तुम्हें, जल संसम विषम वन के पथ नहीं आते हमें, विनत नामक गणपति तभी अग्र आक्रमति न में, बोले सुर में वीर नर ये खड़े हैं जब ही जमे, का उसे सुग्रीव ने तुम अग्नि दिश को जाइए, खोज करिए सब स्थल में देर नहीं लगाइए, पता सीता का वहाँ यदि आप कुछ भी पाइए, तो यहाँ पर सर्व आकर हमें तुरंत बताइए, देखना आश्रम सभी भी लबासे ग्राम को, नगर कुटिया झोंपड़े सब घाट तीर्थ धाम को, पूंछ नीच सम विषम स्थल गर्त गहरे वाम को, गिरी गुहा शिखर बनी बन खोजना पर काम को, ऐसे ही सहस्त्रों वानर दिशा पश्चिम को गए, भेजे उत्तर को उसने वीर योद्धा सब नए, दक्षिण को जो लगे जाने उनके अग्र हो रहे, नील अंगद चांदवान हनुमान वर्तर कहे, सुषेण गज गवाक्ष मुखिया आदि सर्व तैयार थे, महाबली थे नर उत्तम लिए सब हथियार थे, उनमें तो हनुमान अधिक कला कौशल धार थे, सुग्रीव के थे अति स्नेही सचिव हित सुखकार थे, उसे कहा सुग्रीव ने तब मुझे निश्चय है यही, वीरवर बहु विज्ञवान गति तब अनाहत कही, कर्म करने में कुशल हो सफल रहते वो सही, परम पटु तर पाता पाना कहाँ सीता रह रही, देख कर अति चतुर योद्धा उसे श्री रघुराज ने, नाम अंकित दी अंगूठी तब श्री महाराज ने, कहा मोहित किया मुझको सोम तेरे काज ने, कार्य सिद्ध है दिखाई आज सज्जित साज ने, मिलो सिया को यदि तो मुद्रिका पहचान को, उसे देना वीर वर तब ली आदर मान को, यथावत संदेश देना मेरे प्रिय प्राण को, तीव्र बुद्धिमान
चारते, चतुर चक्षु से चतुर दिश के चित्र चित्त उतारते, छदम वेशी छुपे जन को पूछते बहु मारते, कपट कौशल कर्मियों का तुरंत पाते पारते, चपल चर के चित्त का भी काट लेते सारते, मेल जोल बातचीत में सर्व कुशल मारते, कथिक जन से पूछते वे भ्रांत भटके जनों से, यात्री प्रेषक घातकों से निकलते जो वनों से, घर घाट भी हीन जनों से नग्न जोते तनों से, सदा के प्रवासियों से दस्यु डाकू गणों से, अजा बालों गडरियों से गाय भैंस पाल से, बहु व्यादों हेड़ियों से ग्वाले ऊंट बाल से, जड़ी बूटी खोजियों से लदे जंजो माल से, पूछते वे सर्व से ही पूरी देखभाल से, पत्ता पत्ता वन का देखा उन्होंने अति ध्यान से, कोना कोना सब खोजा चतुर चक्षु पहचान से, चप्पा चप्पा देखी खोजी भूमि अपने ज्ञान से, एक एक जन से पूछा नीति रीति विधान से, फिसले रुण के बार बहुत भूमि पाकर फिसलनी, उलझे अटके चीले अधिक पा कटीली बहु बनी, कटे कंटक वनों में वे गिरे घायल हो गणी, सभी साहस वान परते सूर में बल के धनी, ढूंढ खोज करते करते वे गए उस प्रांत में, सिंधु लहरे मारता था जहाँ पर एकांत में, असीम सिंधु देख आग रहे चितना शांत में, अंत हुई चिंता में दशा ऐसी शांत में, लगे सोचने वे वन लौट घूम जहाँ तहाँ, भूमि सीमा आ गई अब खोज करी जा कहाँ, कार्य सिद्धि बिना पीछे कथन जाए हम वहाँ, प्रावेशन कर मरे बैठ बालू पर यहाँ, व्यर्थ जीना है जग में कार्य सिद्धि के बिना, असफल हताश निराश का नास्थान वृद्धि के बिना, आन बान बने शोभावान वृद्धि के बिना, दीन होते देश के जन बल समृद्धि के बिना, बोले अंगद हो अधीन अब हमारा मरण है, असफल जा सुग्रीव सन्निधि नहीं हमको शरण है, भूपति के कोकल से नहीं कदापि तरण है, क्रूर कर्म कठोर क्रोधी काल का वह करण है, बैठे मरते हैं यहाँ हम लौट जाएंगे नहीं, रहेंगे अनशन व्रत कर अन्न खाएंगे नहीं, सगे संबंधी सब तज कर मुँह हलाएंगे नहीं, मीरा हारी बनेंगे तब प्राण आएंगे नहीं, रुदन सहित उदास बनर प्राण तजने के लिए, अंगद आज्ञा से बैठे सर्व उपवास ही किए, उस समय संपाति ने आ उन्हें दर्शन शुभ दिए, दीर्घ आयु जटायु बंधु वह रहता सुधा पिए, वानर बहुत उदास बैठे करते बात थे, राघव का वनवास वर्णन वे थे कर रहे, सिया हरण की बात कही उन्होंने परस्पर, जटायु का विनिपात करुणा कर वर्णन किया, रावण ने की घात जैसे द्विजवर की, तब रामचंद्र विख्यात खिन्न हुए उस काल ज्यों, सुनिए वार्तालाप सोचा संपाति ने यह होता है परिताप, बंधु वध इनसे सुन प्यारा प्राण समान, लघु भ्राता मेरा सुजन जी जीवन कर दान, चला गया परलोक को ऐसा सोच विचार, गदगद बोला वह उन्हें नीचे मुझे उतार, जटायु वध वर्णन करो कैसे वह बलवान, मम बंधु गुण ज्ञान युत करिए मरा बखान, मुझ शोकित को कह कथा करके वीर विश्वास, पर्वत चोटी पर चढ़े जाकर उसके पास, आदर से उसको मिले जरा जरित जन जान, द्विज राज को भेज भी दे अवलंबन मान, लाए अंगद पास तब स्वागत कर सम्मान, उसको अंगद
सब दुख दूप है।
शास्त्र में विद्वान हो, बल बुद्धि तेज से तो तुम वीरों में महान हो। अंजना सुत क्यों हो चुप जब सफलता का स्थान हो, बाल काल की लीला लय में लपक उछले तुम बड़े, ऊट काल का लाल भानु पकड़ने को हो खड़े, सांस सहित उड़े नभ को भूमि पर फिर गिर पड़े, हानु टेढ़ी हुई जिससे नाम से तुम हो खड़े, बालपन से हो साहस कवच अंगे मन चले, सिंह सम तो सूर में हो वायुवत बल वेग ले, वीर धीर सुचतुर हो तुम कभी काम से ना टले, निराश ये सब है वानर नेत्र तेरे के तले, वीर वानर वर बलि बहु सर्व के सरदार हो, देव दैवी वेग बल से सिंधु तर शक्ति भक्ति स्वरूप नर वर आप ही अब जाइए, खोज लंका द्वीप नगरी भेद सब तो लाइए, अपने बुद्धि बल वेद का चमत्कार दिखाइए, सीता काले समाचार लौट शीघ्र आइए, किष्किंधा कांड का देता बल उत्साह, संधि सुमेल मिलाप के भरता सुगुण कथा, सदा सफल सबकार।
श्री रामायण
स्वरूप ने आरा सी
पर रखे वास घोड़े हिन हिनाते हस्तिशाला तीज करी पर सुन हिलाते शोभित सब गजराज झूमते कान झुलाते मणि मोती में साज महाशोभाते बाते उसी महल के मध्य घुसावे चुप छुपाता धीरे धरता पैर फिरा पे नैन फिराता कौन कोटरी सभी ध्यान दृष्टि में लाता ने देखी वहाँ रावण जी ने हर लाया से असुर ने जिने बनाया दाम पे चरत स्वांग शक्ष से जिने उठाया नारी रंगाने खरी उसने चरमाया खान पान कर राज सखी थी मौत मनाती हास विलास विशेष बीच में रंगी गाती निद्रा बीच में सभी पड़ी बेसुध सुख पाती अजभूषण पहरान सुख सदी मुद मजमाती सब मुकुड़ों पर से हटे जो शतपथ प्राणी तथा मैं तब गया दिव्य वर एक स्थान में जड़े हुए थे रत्न विभूषित उस मकान में स्वर्ण चित्र अद्भुत सजे थे शुचि दलान में थी माला बहुभांति शोभित स्थान महान में सजा स्वर्ण पलंग सुंदर मृदु बिछान से मोती झालर साथ बढ़िया देव विमान से उसे सुख नर आन बान से समझा रावण वह लगा अनुमान से पासेज पर पड़ी लकी जो उसने नारी रूप रंग की राशि सौंदर्य धागन धारी समझा कर हनुमान सुबुद्धि अन्वेषण कारी है पटरानी यही शुभ मंदोदर सारी महिला मंडल वहाँ देख कर उसने ऐसे सोचा निज मन बीच जाऊं बचवाब से कैसे नारियां देख नहीं सुस्त जो ऐसे वैसे है मेरा नचार कर्म अधम कहा जैसे करते यही विचार उसके चित्त में आया बुद्धि से नहीं लगी मैंने भड़काया मुझ में नहीं कुभाव देखते लेश समाया मन में नहीं विकार आया देखिए जाया स्त्री गण को छोड़ खोजता और कहां जा नारी जन अतिरिक्त पता नहीं सकता मैं पाप जैसी जो हो जिनस खोजिए उसमें गिया मन जा हरिणों बीच मिले नहीं बुद्धि बल्ला साहस उत्साह धार चला वह चक्कर देता लगा देखने सार विचक्षण भेद कवेता गुप्त रमण के स्थान देखता सुध बुध लेता सीता भेद न जान हुआ उदास रहता हुआ चित्त में चूर चिंता शोक से चंचल जड़ जान समान रहा नहीं चतुर अभिचल मरना किया विचार उसने निज मन के स्थल कृत जीना जान जगत में होकर निष्फल उसने सोचा बहुत चिता चिन आँच लगाऊं उस पर चढ़कर आग भस्म में देह बनाऊं अथवा जल में कूद पुनरपि बाहर नहाऊं खान पान सब त्याग कहीं मैं पड़ मर जाऊं मुनि तापस बन रहूं वनों में धूनी रमा कर पुष्प पत्र जो मिले गिरा पड़ा वही खाकर काटूं जीवन काल शीश पर सोच रहा कुछ काल खड़ा वह बदल विचार कर फिर मन को कड़ावे उत्साह आशा साथ करके साहस बढ़ावे सिया खोज के हेतु काम में कूद पड़ावे सर्वश्रेष्ठ है ये तजिए नहीं पुरुषार्थ अंत समय तक आश रख कर साधिए स्वार जी जीवन पर खेल करिए सिद्ध परमार्थ है ही शक्ति उद्योग जीवन सार यथार्थ होवे नहीं निराश कष्ट यदि काल कड़े से आगे बढ़ता जाए मनस्वी उत्साह बड़े से भगे ब्रह्म भय भूत उद्यमी वीर खड़े से चूहा बिल्ली न डरे आलसी लिटे पड़े से बुद्धि शक्ति संभाल कर फिर वह हुआ तैयार खुद चढ़ा तब देख कर पास एक प्रकार दिखी उसको क्या रे उद्यान
अपने तीर पर घास थी हर तन दूसम रूप सुंदर शिला समान से लटका बहुत से बरसा वह पानी बोला मुंह में।
शत संकट सह करके ही फिर भी जीवित है पैदे ही। वज्रमयी है इसकी छाती, विपद विद्युत से जो ना हट पाती। पुत्र वधु दशरथ की जेठी, सहे ताड़ ना देखे हेठी। राघव राज की पत्नी प्यारी, घिर बंधन में दो दुखियारी। स्वर्ण घर में बसने हारी, धूल पे बैठे यो बहनारी। सुघर सुंदर दासियों वाली, उसे घेरे असुरियां काली। उबड़ी विकला अधिक कुरूपा, दीर्घ दंडन खाक विरूपा। चिपटी चौड़ी नाग चढ़ाती, कर्कश के शाकर फटकाती। मुखरी भय कर भरती ये ही, घेर रही इसको बल से ही। कर में लेकर खड़ग कटारी, विषम विषैले। बहुत बुरे बेहद बहु मैले, लप लप करती जीवन काले। मोटे मोट परुषले काले, अनुमति लंबोदरी माला। फिर दी ऊंट यथा मत वाला, राघव भार्या आर्या रानी। इन मेरी जो जाल में प्राणी, सर्व यहाँ जो बीते। करे यत्न जब जन्मों जीते, पतित तरु पर मैं चढ़ जाऊं। तरु शाखा में देह छिपाऊं, लुक छिप कर निज कार्य साधूं। सफल बनो राघव आराधु, शिशप पर चढ़ कर तब सोई। पर शाखा में गुप्त तर हो, देख रहा था ताक लगाए। और सभी को नयन फिराए, देखा तब हनुमान आता। मत हसी समनन मत माता, मणि मोती युत भूषण धारे। केश वेश विशेष सवारे, माता नारी गण का साथी। हथनी दल युत जैसे हाथी, लक्षण चिन्ह से उसने जाना है। रावण मन में यह माना, दबक सिमट कर लिपटा क्यों ही। करुशाक से बल्ली क्यों ही। अब लोकन कर रावण आया, काम गई सीता की काया। पीपल पत्र पवन से जैसे, कापी वह उससे तब ऐसे। मन रथ पर बैठी वह खाती, भरता और की दौड़ी जाती। विचार विद्युत वेग बढ़ाती, धी पति को वृत बैठाती। पति की चरण शरण में लीना, तन मन से ही दुखिया दीना। अब कछुए वत सकुचाती, चित में पति नाम को मधुर वचन से लगा लुभाने। उसे असुर निज भाव बताने, बोला वह तू क्यों घबराई। तुझ पर है भय था क्यों छाई, चाहता हूँ तुझे सुख देना। मैं मुकड़े तेरे हर लेना, मुझसे भय करो ना कोई। मानो कहना सुंदर सोई, चाहता हूँ तुझे सुख देना। मैं मुकड़े तेरे हर लेना, मुझसे सोई।
शक्ति मती